अगर आप इसको इस तरह से विंडो की तरह एक नॉक करेंगे ना, इस तरह से, ये देखिए स्क्रीनशॉट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम इज्यूमल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवावे नोवा 9 के कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की, इस पे पबजी रिव्यू भी करके देखा। आज की वीडियो में इसके सीक्रेट फीचर्स के लिए भी बात करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन देखने को मिलता है या नहीं मिलता, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, सेंसिटिविटी में क्या क्या देखने को मिलता है, ओवरऑल बात करने वाले हैं यहाँ पे हम आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, इससे होगा आपको हर लेटेस्ट आने वाली अनबॉक्सिंग, पबजी रिव्यू और टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग की वीडियो बावकत मिलते रहेगी। सो गाइस, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर देखेंगे इसमें ऑलवेज का ऑप्शन। तो डिस्प्ले में सेटिंग में आ जाए, सेटिंग में आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर डिस्प्ले पर, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस भी आ जाए। ब्राइटनेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप जैसे ही आएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का मेन्यू आएगा, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आप देखने को मिलते हैं। ये बिल्टन ही यहाँ से ना ऑफ होगा, आपने इसको अनेबल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एज वन कोई भी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये एक होस्ट बना हुआ है, भाई डियर आ रहा है, चलता हुआ, चेक करते हैं कि कैसा लगता है अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे ऑलवेज चेक करते, ओ भाई साहब, ऑसम लुक के साथ यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है, ये देखिए इस तरह से डियर आपका चलता हुआ आएगा ऑलवेज पे, भाई बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। और भी बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्लॉक के डिज़ाइन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप कोई भी अप्लाई कर दें तो ये वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक चिड़िया सी लगा दी, उसके अलावा यहाँ पे एक फूल कली खिलती है, भाई इसको भी चेक करते हैं ये कैसा लगता है। देखिए अभी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये देखिए भाई बहुत ही कमाल का यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये ऑप्शन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो ये था इसका पहला ऑप्शन, पहली सेटिंग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। अब इसमें हम मजीद चलते हैं डिस्प्ले में ही, देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाए, यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। डार्क मोड वैसे करेंगे आपका मोबाइल इस तरह ब्लैक हो जाएगा। उसके अलावा आई कंफर्टेबल का मोड देखने को मिलता है, यानी कि रात को अगर आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं तो आपके आंखों पे जो है इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ई बुक का ऑर्डर देखने को मिलता है। टेक्सटाइल, आप टेक्स का जो स्टाइल है फोन वगैरह वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो लोडिंग है, कोई नेट वगैरह से डाउनलोड का सीन होगा तो वो यहाँ पे मैं डिसएग्री कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट साइज एंड वेट, जो टेक्स्ट के साइज वगैरह वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्प्ले साइज यहाँ पे आपको दिखा रहा है, आप अपने हिसाब से कम वध जितना आपको चाहे, मैं डिफॉल्ट ही रखता हूँ तो वो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्लीप टाइम है, यानी कि स्क्रीन ऑफ होने का टाइम है, तो 5 मिनट लगा हुआ आप इसे कम करके या ज्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलती है, स्मार्ट, हाई, लो, 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आपको जो बेनिफिट लगे आप उस पर क्लिक करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोर डिस्प्ले के ऑप्शन में चले जाते हैं, फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलता है, कटआउट देखने को मिलता है, डिस्प्ले कैरियर नेम, यानी कि अगर आप यहाँ पे अपना नेम वगैरह लिखेंगे तो आपका जो लॉक स्क्रीन हो वहाँ पे नेम शो होगा, और डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड, यानी कि आपकी इंटरनेट की स्पीड शो होगी। इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आपके लिए बेनिफिट होगी। मोर ऑप्शन में यहाँ चीजें देखने को मिलती है। उसके अलावा स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पे देखने को मिलता है 60 हर्ट्ज के साथ। उसके अलावा हाई पे आप देख लें रिफ्रेश रेट अप टू 120 हर्ट्ज के साथ देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको डायनामिक में 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ जाहिर सी बात है आपकी मैक्स लेगा, बहरहाल मोबाइल की स्पीड है, ये अभी मैंने हाई पर रखा हुआ था, बहुत ही कमाल की देखिए स्पीड, टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा काफी देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन इसके डिस्प्ले में यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। अब आ जाते हैं हम बैक, बैक में हम यहाँ पर आते हैं इस पे एक्सेसिबिलिटी, इसी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, एक्सेसिबिलिटी में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको मजीद अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आपको सेंसर मोड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप सेंसर मोड का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आपका वर्क मोबाइल जो है वो सेंसर पे ही वर्क करेगा। बहरहाल मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे, जो हमें 100, यानी कि आप 1 हैंड से अपना मोबाइल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 100 का मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आप 100 लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ट्यूटोरियल भी देखने को मिलेगा, आप किस तरह से उसको 100 पे जो लेके जा सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 100 मोड यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टी विंडो भी देखने को मिलती है, मल्टी विंडो यानी कि एक टाइम पे आप डिफरेंट किस्म की ऐप चला सकते हैं एक ही टाइम में, तो मल्टी विंडो भी काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा मैसेज टच प्रेफरेंस है, उसके अलावा यहाँ पे शेड्यूल पावर ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, आप टाइमिंग वगैरह कोई सेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। सिस्टम नेविगेशन वो चीज है, अगर आप ये आपको नेविगेशन दिख रही है, अगर ये आप डिसेबल करना चाहते हैं, यानी कि वो जो साइंस आता है गैक्सर के तौर पे आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बिल्कुल प्लेन जैसे ही आपको नजर आ रहा है, या आप यहाँ पे इस तरह से होम की लगा सकते हैं। कोई भी सेटिंग आपको जो बेनिफिट लगे तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस टाइम पे जो मेरी यही चल रही है तो मैं इसे वही लगा लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं
हैं थोड़ा सा बैक। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है शॉर्टकट एंड गैंगस्टर। शॉर्टकट एंड गैंगस्टर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है एआई वॉइस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको आप मोबाइल अगर पड़ा होगा ना, आपको ये ऑप्शन अनेबल कर लिया, आपने पावर की इस तरह से प्रेस करके रखना है और वो आपको बोलेगा भाई अब बोलो, जो आपका वर्ड सेलेक्ट होगा वो आप बोलेंगे, आपका मोबाइल ऑन हो जाएगा। ठीक है, एआई वॉइस का मतलब ये होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डबल प्रेस दी वॉल्यूम डाउन बटन टू टेक अ फोटो व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ और लॉक्ड, दे कैन बी डिसेबल और यूज टू ओपन द कैमरा ऐप इंस्टेंट। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब भी, अगर आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तो आप अगर पिक्चर्स भी लेना चाहें तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे था इसका अल्ट्रा टच का। उसके अलावा यहाँ पे आपको टेक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको इस तरह से विंडो की तरह एक नॉक करेंगे ना इस तरह से, ये देखिए स्क्रीनशॉट उसी टाइम आ गया है। इस तरह से आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डबल टैप आपने नॉक नॉक देना है। और ये अब हम चेक करते हैं क्या ये फिंगर के साथ भी लेती है। नहीं, फिंगर के साथ नहीं है, आपको इस तरह से जो अपनी फिंगर है इसको फोल्ड करके इस तरह से करना पड़ेगा, ये आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिकॉर्ड स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप डबल टच करेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बैकअप का फोन ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि अगर आपका मोबाइल इस तरह से पड़ा है जैसे उठाएंगे आपका मोबाइल उसी टाइम ऑन हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा म्यूट रिंग टोन रिड्यूस वॉल्यूम, तो आप जैसे इसमें जानेंगे, यानी कि आपकी अगर कॉल वगैरह आ रही होगी, अगर आप इसको अटेंड नहीं करना चाहते, आपने उठाना है देखनी कॉल किसी, उठा के यूँ रख दो, जैसे ही आप इसको इस तरह से करके रख देंगे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी, बिजी नहीं करेगा, मोबाइल साइलेंट पे आपका चला जाएगा। उसके बाद राइज टू रिड्यूस वॉल्यूम, जो भी अगर आप उठाएंगे तो यानी कि आपके वॉल्यूम को बढ़ाना हो तो वो भी आपके ऑप्शन को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आंसर कॉल का, यानी कि अगर आपका मोबाइल इस तरह से पड़ा है, आपको कॉल आई, आप इस तरह से एयर पर लगाएंगे तो जो कॉल है वो पिक हो जाएगी। बहरहाल मैं आपको ये रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि अक्सर कॉल मोबाइल पॉकेट में होता है, तो जैसे ही मोबाइल पॉकेट में होता है कॉल आती है तो ऑटो अटेंड हो जाती है, तो अगला भाई हेलो 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 करता ही रह जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें हमें देखने को मिलते थे, काफ़ी कमाल के फीचर्स इसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, इसमें भाई मेन सब बंदे पूछते हैं डेट एंड टाइम भाई कैसे सेट करें हवावे के मोबाइल में या किसी मोबाइल में। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, देखिए सिस्टम एंड अपडेट। सिस्टम एंड अपडेट में जैसे ही आप जाएंगे ना, यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लैंग्वेज एंड इनपुट, यहाँ पे आप अपने मोबाइल की लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जौन सी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। रीजन आपकी कंट्री कोई भी लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ, देखो मेरा पाकिस्तान शो हो रहा है, अगर आप कोई भी लगाना चाहें S1 वो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब आते हैं डेट एंड टाइम पे। अब डेट एंड टाइम का नीचे ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिला है डेट एंड टाइम पे। यहाँ पे आ सकते हैं अपना टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स पे भी ले जा सकते हैं, ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे लगा हुआ है, टाइम जोन जो है पाकिस्तान का जो चल रहा है उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। ड्यूल क्लॉक का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ड्यूल क्लॉक की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो डेट एंड टाइम लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी होगी तो आपको यहाँ पे सिस्टम एंड अपडेट में जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है। इसके मेन्यू में यानी कि इसके स्टेटस बार में देखता हूँ यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे स्टेटस बार में टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिला है, साउंड ऑटो रोटेट, हवा विश लोकेशन, एयरप्लेन मोबाइल डेल्टा, स्क्रीनशॉट, आई कंफर्ट। उसके अलावा यहाँ पे आई कंफर्ट देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल वायरलेस स्क्रीन कोड, NFC, डू नॉट डिस्टर्ब, डार्क मोड, ई बुक, तो ये सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलते हैं। राइड मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है या नहीं, तो कॉल रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। डायलर में आ रहे थे, यहाँ पे हम चेक करते हैं सेटिंग में। सेटिंग में मैरिज कॉल ये वो फलाम फला ना भाई, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन में हमें देखने को नहीं मिलता, यानी कि हवावे नोवा 9 में कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो ये थे इसके कुछ स्पेशल फीचर्स जिसके रिलेटेड मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और पसंद भी आएगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस तरह की मजीद वीडियो अनबॉक्सिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की चाहते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे लेटेस्ट आने वाली फ्रेश वीडियो में, वक्त के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, अल्लाह ने के बाद।